पलवल के चर्चित जानलेवा हमले के दो आरोपियों को सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को वारदात में उपयुक्त हथियार एवं कार बरामद करने के लिए रिमांड पर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। सीआईए इंचार्ज विश्व गौरव ने बताया कि 29 जून को शिवराम ने अपनी शिकायत पुलिस को दर्ज करवाई कि 28 जून की रात उनके पुत्र विकास व उसके दोस्तों के साथ गोलाया स्कूल के निकट अंजुम व उसके आधा दर्जन साथियों ने मिलकर मारपीट करते हुए जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में अंजुम ने उसके पुत्र विकास पर चाकू से छाती और पीठ पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। विश्व गौरव ने बताया कि अंजुम व उसके साथी अनिल को रसूलपुर चौक से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि पुराने झगड़े में हुई बहस की रंजिश को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस वारदात में सैनी नगर निवासी दीपक भी घायल हुआ था। उन्होंने बताया कि आरोपियों को अब अदालत में पेश कर रिमांड पर लिए जाने की तैयारी की जा रही है। रिमांड के दौरान अंजुम से वारदात में प्रयुक्त चाकू व अनिल से I-20 गाड़ी बरामद की जाएगी। ध्यान रहे कि उदयपुर की बहुचर्चित घटना के बाद इस घटना को भी उससे जोड़कर देखा गया था। राष्ट्रीय बजरंग दल व राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर विरोध भी प्रदर्शन किया था। हालांकि पुलिस ने बार बार ये कहा था कि इस घटना का उदयपुर की घटना के साथ कोई संबंध नहीं है, यह महज आपसी रंजिश का मामला है, दो गुटों के बीच में लड़ाई का मामला है। 28/6/2022 की बात है, गोलाया स्कूल के पास की बात है। इस संबंध में 29/6 को रात को ही एक दरख्वास्त दी गई। विकास है लड़का जो घायल हुआ है, उसके पिता ने शिवराम ने दरख्वास्त दी थी कि भाई कुछ लड़कों ने मेरे बेटे को की गाड़ी रुकवा कर और उसके साथ मारपीट भी की तथा उसे चाकू मारा। और इस संबंध में उन्होंने एक अंजुम नाम के शख्स का नाम लिया है और उसके साथ 6-7 अन्य थे। इसमें हमने कार्रवाई करते हुए जो एसपी साहब के आदेश के अनुसार जो अगली कार्रवाई हमारे पास आ चुकी थी, तो हमने इसमें अंजुम और एक अनिल को गिरफ्तार किया है। दोनों ही शेखपुरा के रहने वाले हैं और इसमें अंजुम से चाकू रिकवरी करनी है और अनिल से एक गाड़ी I-20 रिकवरी करनी है, जिसके लिए हमने अब इनका रिमांड लेना है। सर, झगड़े की कोई वजह सामने आई? झगड़े की वजह अब तक पूछताछ में ये आई है कि पीछे भी इनकी आपस में कोई बहस हुई थी, जिसका यह परिणाम ये हुआ है। कहाँ से गिरफ्तारी की गई है? तो इन दोनों की हमने अभी रसूलपुर से गिरफ्तार किया है। पूरे झगड़े में कोई और भी घायल हुआ थी? हाँ, एक इसमें एक अन्य लड़का दीपक नाम का लड़का भी घायल है। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आप देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और उसके बाद एक कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।